सभी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश रोज़ पे। तो दोस्तों अक्टूबर की आज 10 तारीख हो गई है और हम अपने गुलाब को कैसे विंटर के लिए तैयार करें, तो चलते हैं आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए मैंने अपने गुलाब की प्रूनिंग कर ली है। तो दोस्तों आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं अपने गुलाब की है तो उसे ज़रूर कर लें। प्रूनिंग दोस्तों दो तरह की होती है, एक हार्ड प्रूनिंग एक सॉफ्ट प्रूनिंग। तो अभी आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है। अक्टूबर की 1 तारीख को अगर आपने अपने गुलाब की प्रूनिंग कर ली है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो आप भी अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। और दोस्तों प्रूनिंग करने वक्त हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे गुलाब जो होता है वो डाईबैक बहुत जल्दी होता है, तो आपको अपने गुलाब में फंगीसाइड लगा के रखना है। देख सकते हैं मैंने इसमें फंगीसाइड लगाया, गुलाब बहुत जल्दी डाईबैक होके और ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप जब भी प्रूनिंग करें तो इसमें फंगीसाइड ज़रूर स्प्रे करें। दोस्तों गुलाब की एक नई और ख़ासियत है, दोस्तों जब भी इसको आप लगाएं तो इसको मिट्टी के गमले में लगाएं, प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं। गुलाब को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपका गुलाब की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और पीली होके गिर जा रही हैं तो दोस्तों आपका गुलाब ओवर वाटरिंग हो रही है, इसलिए आप उसे मिट्टी के गमले में लगाएं, आपका गुलाब कभी नहीं मरेगा। दोस्तों अब देख सकते हैं इसमें नई नई ग्रोथ आ गई है, प्रूनिंग के 1 हफ्ते बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको फीडिंग देना चालू करेंगे। दोस्तों विंटर का टाइम गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें नई नई जो है कि पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें फीडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप अपने गुलाब में समय समय पे इसकी गोड़ी ज़रूर करते रहें ताकि इसमें कोई भी खरपतवार ना उगे। तो आप इसको 10 इंच के गमले में ही लगाएं, इससे बड़ा गमला ना लें। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तभी आप बड़े गमले लें, बाकी गुलाब अगर आपका छोटा है तो 6 इंची और 12 इंची गमला बहुत सही है गुलाब के लिए। ज़्यादा बड़ा गमला होने पे गुलाब फ्लावरिंग नहीं करता है। तो अब इसमें हम डालते हैं, ये देखते हैं DAP। तो DAP आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी, 10 रुपये का पैकेट आता है, कोई महंगा नहीं है। इसमें आपको हर 15 दिन पे कुछ दाने डालने हैं DAP के, इससे हमारे जो गुलाब की रूट सिस्टम है वो डेवलप होता है और इसमें नई ग्रोथ आएगी और फ्लावरिंग को बूस्ट मिलता है जिससे अच्छे से फ्लावरिंग हो सकती है। तो दोस्तों गुलाब के लिए DAP बहुत अच्छी है। DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। DAP आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं जिसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो, क्योंकि ये प्लांट के लिए एक बहुत अच्छी डाइट है। तो चलते हैं दोस्तों एक नई फर्टिलाइज़र के तरफ। तो अभी दिखाते हैं आपको नई फर्टिलाइज़र। और दोस्तों DAP डालने के बाद आपको इसमें वाटरिंग ज़रूर करनी है, कभी भी DAP मिट्टी सूखे में ना डालें। तो दोस्तों नई चीज़ है ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है। तो दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे या नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। ये 100 रुपीज़ का 1 kg का पैकेट आता है, तो इसको हम हर महीने डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके साइड साइड में हम डालते हैं। दोस्तों इसमें जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो वीकली में एक ही बार डालें, बार बार ना डालें, इससे हमारा पौधा डैमेज हो सकता है। दोस्तों हमने अपने गुलाब में जो फर्टिलाइज़र दो दे दिए हैं, अब दोस्तों इसे हम अगले वीक में हम इसमें नीम खली बोन मील और NPK इसमें छिड़काव करेंगे। उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जल्दी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने गार्डनिंग को इन्जॉय करते रहिए। और दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए नर्सरी की न्यू वीडियो आ रही है, आप कौन कौन से प्लांट विंटर के फ्लावरिंग के खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आप ही मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए और लास्ट में दी गई ये नर्सरी की वीडियो आप देख सकते। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।